আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইনশাআল্লাহ তাআলা আজ কে দরস মে সূরা বাকরা কি আয়া নম্বর 62 কি তাফসীর মুলাহিজা ফরমায়েঙ্গে। ইস তাফসীর কো ইস আয়াত কে তরজমে কো বাজ লোগ পড় কর কিসি মুগালতে কা শিকার হো জাতে হ্যায়। আইয়ে আপকে সামনে পহলে আয়া মুবারকা রাখতা হুঁ, ইসকা তরজমা রাখতা হুঁ, ফির ইসকি তাফসীর রাখতা হুঁ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بشك إيمان والے مسلمان يهودي عيسائي اور صابئين जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए तो इनके लिए इनके रब के पास इनका अजर है और ना इन पर खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। अब इस आयत मुबारका को पढ़ के बाज़ लोग इस मुगालते में पड़ जाते हैं कि भाई देखो अल्लाह ताला तो ये कह रहा है कि ईमान वाले यहूदी या ईसाई या साबीन जो आखिरत पर ईमान लाए, जो नेक अमल करे, वो सब के सब जन्नत में जाएंगे। अब आप इसको इस आयत को पढ़कर इस मुगालते का लोग यूँ शिकार हो जाते हैं कि बेशक ईमान वाले यहूदी, ईमान वाले ईसाई और साबीन सभी जन्नत में जाएंगे। तो अब आप यहाँ पर लफ्ज़ साबीन को पहले समझें, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें भी आपके सामने रखता हूँ। ये जो साबीन का लफ्ज़ है ना, ये सबा से निकला है। अल्लामा इब्ने जरीर इसके मुतालिक लिखते हैं कि जो शख्स एक दीन को तर्क करके दूसरे दीन को इख्तियार कर ले तो इसको लुगत में साबई कहते हैं। इमाम मुजाहिद, हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि साबई वो लोग हैं जिनका कोई दीन ना हो। और मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से एक और रिवायत, एक और कौल ये भी आता है कि साबई मजूस और यहूद के दरमियान एक कौम है। इनका ज़बीहा खाना और इनकी औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है। हज़रत हसन बसी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि साबईन फरिश्तों की परस्तिश करते हैं। अबुल आलिया ने कहा कि साबईन अहले किताब का एक फ़िरका है जो ज़बूर को पढ़ने वाला है। तो ये मुख्तलिफ आरा हैं जिनको जामियुल बयान की जिल्द नंबर एक सफ़ा 252-253 पर जमा किया गया है। और जामियुल बयान की ये जो तफसीर है ये मदबूआ है दारुल मारिफा बैरूत से। अच्छा, इमाम मोहम्मद और इमाम अबू यूसुफ़ इनके अकवाल के बारे में अल्लामा अबू लैस समरकंदी हनफी लिखते हैं कि इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद के नज़दीक इनका ज़बीहा खाना और इनकी औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है क्योंकि ये लोग फरिश्तों की परस्तिश करते हैं। ये तफसीर समरकंदी की जिल्द नंबर एक सफ़ा नंबर 125 पर आता है। अच्छा, इसी तरह खलील ने कहा कि इनका दीन, इसको अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि खलील ने कहा कि इनका दीन दीन नसारा के मुशाबे है। जुनूब की हवा की तरफ इनका क़िबला है और इनका ज़ाम यह है कि हज़रत नूह के दीन पर है। हज़रत इब्ने अब्बास ने कहा कि इनका ज़बीहा ना खाया जाए। हमारे उलमा ने जो इनके मुतालिक बयान किया है, इसका हासिल ये है कि साबी मुआहिद हैं और सितारों की तासीर का एतक़ाद रखते हैं। इसी वजह से इस अबू सईद अस्तखरी ने इनकी तकफीर की है। अच्छा, ये तमाम अकवाल अलजामे अल अहकाम अल कुरान की जिल्द नंबर एक सफ़ा नंबर 434-435 पर हैं। अच्छा, इसी तरह अल्लामा बैदावी ने इन अकवाल के अलावा ये कौल भी नकल किया है कि साबई सितारा परस्त हैं, अनवारुत तंजील के सफ़ा नंबर 79 पर। अल्लामा आलूसी हनफी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि साबईन के कई फ़िरक़े हैं। रूम के साबई सितारा परस्त हैं, हिंद के साबई बुत परस्त हैं। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि साबई बुत परस्त नहीं है। इमाम अबू हनीफा का ये कौल है। वह ये सितारों की इस तरह तज़ीम करते हैं जिस तरह हम काबे की तज़ीम करते हैं, तो इसीलिए वो इनको बुत परस्त नहीं लिखते। बहरहाल, एक कौल ये भी आता है कि ये मुआहिद हैं और सितारों की तासीर का एतक़ाद रखते हैं, यानी एक अल्लाह पर ईमान तो रखते हैं लेकिन सितारों की तासीर का भी साथ एतक़ाद रखते हैं। ये अकवाल जो है अल्लामा आलूसी ने जो है लिखे हैं रूहुल मानी जिल्द नंबर एक सफ़ा 279 पर।
अल्लामा शामी इस ज़मन में लिखते हैं कि साबिया का ज़बीहा हलाल है क्योंकि ये हज़रत ईसा का इकरार करते हैं। कहिस्तानी और बदाए में मज़कूर है कि इनकी किताब ज़बूर है और हो सकता है कि इनके कई फ़िरक़े हों, जैसा कि रद्दुल मुख्तार में आता है। अच्छा, अगलब यह है कि साबईन के कई फ़िरक़े हों, जो तमाम अकवाल को सामने रखते हुए यही सामने बात समझ में आती है कि इनके कई फ़िरक़े हैं, इनके मुतालिक मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के मुतालिक मुख्तलिफ़ अकवाल हैं। होता क्या है, लोग इमाम अबू हनीफ़ा का एक कौल पढ़ते हैं, इमाम मोहम्मद का एक कौल पढ़ते हैं, कहते हैं कि शागिर्द और उस्ताद में अकवाल जो है वो टकरा रहे हैं, फिर फ़लाँ किसी और का कौल पढ़ते हैं। तो अब इसके ऊपर फिर उलमा ने यही जमा किया है कि इनके कई फ़िरक़े हैं जिनके मुतालिक फिर मुख्तलिफ़ अकवाल हैं, जो मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों से मुतालिक हैं, कि जिस जिस के सामने जो जो इनका फ़िरक़ा आया, इनके इतने ही फ़िरक़े। इमाम अबू हनीफ़ा ने जिस फ़िरक़े के मुतालिक कहा कि इनका ज़बीहा जायज़ है, वो हुक्मन अहले किताब के हैं, कि इनमें से बाज़ ऐसे हैं जो अहले किताब की तरह हैं, वो यूँ समझ लें कि अहले किताब ही की शाख हैं, लेकिन बाज़ मामलात में ज़रा जुदा गाना है। तमाम साबईन के मुतालिक इमाम अबू हनीफ़ा ने यह नहीं कहा कि इनका जो है वो ज़बीहा जायज़ है और इनकी औरतों से निकाह करने में कोई हर्ज नहीं। ये ख़ास कोई साबईन का एक फ़िरक़ा है जिसके मुतालिक इमाम अबू हनीफ़ा का ये कौल है, क्योंकि फिर इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद के अकवाल जो हमारे सामने आते हैं वो यही है कि इनके इनका ज़बीहा खाना और इनकी औरतों से निकाह करना जायज़ नहीं है। तो मालूम यह होता है कि इनके अपने अंदर फिर कई फ़िरक़ा जात हैं। अच्छा, इस आयत में एक और दूसरी तहकीक तलब बात जो ये है वो ये है कि बेशक जो लोग ईमान लाए, यहूदी ईसाई और साबी, इनमें से जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए, इनको कोई खौफ और इनको कोई गम नहीं होगा। तो जो ईमान ला चुके हैं इनके मुतालिक ये कहना किस तरह दुरुस्त होगा, इनमें से जो ईमान लाए, क्योंकि ईमान लाए हुए लोगों का फिर ईमान लाना तहसील हासिल हो गया ना। भाई एक आदमी ईमान ले आया, अब वो फिर ईमान ले आए क्या मतलब? अब मिसाल के तौर पे एक नुक्ता जो सूरह फातिहा में भी गैर मुस्लिम उठाते हैं कि भाई देखो तुम मुसलमान हो, तुम मुसलमान हो, तुम हिदायत याफ्ता हो, तो फिर तुम्हें तो हिदायत मिल गई ना, तुम मुसलमान हो गए, तो फिर तुम हर दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ के हिदायत क्यों मांगते हो? तुम एहदिना सिरातल मुस्तकीम मांगते हो, तुम तो सिरात मुस्तकीम पर हो, तो ये तो तहसील हासिल हो गई, यानी एक चीज़ जो तुम्हें हासिल हो गई है वो तुम मांग रहे हो। भाई एक चीज़ आपने अपने बच्चे को ला के दे दी, अब वो बच्चा फिर आपसे वही चीज़ मांगे तो आप बोलेंगे भाई ये तो मैंने तुम्हें ला के दे दी है। तो इस सवाल के फिर मुतअद्दिद जवाबात हैं, इनमें से एक जवाब तो उलमा ने यह दिया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू से मुराद जो ज़बान से ईमान लाए, और मन आमन बिल्लाह से मुराद है दिल से ईमान लाए, यानी जो लोग सिर्फ ज़बान से ईमान लाए जैसे कि मुनाफिकीन, इनके इनमें से जो दिल से ईमान ले आए और नेक अमल करें तो उनको कोई खौफ और गम नहीं होगा। सो इस आयत की नज़ीर फिर ये आयत सूरतुन निसा की होगी कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ए लोगों जो ईमान लाए हो, ए ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ, यानी जो सिर्फ ज़बान से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए वो दिल से अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाएं। एक तो उलमा ने इसका ये जवाब दिया है, फिर उलमा ने इसका एक जवाब ये भी दिया है कि इन्नल्लज़ीना आमनू से मुराद ये है कि जो माजी में अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, और मन्ना बना बिल्लाह से मुराद ये है कि वो मुस्तकबिल में भी अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने में बरकरार और साबित कदम रहें। फिर एक तीसरा इसमें तशरी ये आती है, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से मनकूल है कि इन्नल्लज़ीना आमनू से मुराद वो लोग हैं जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले हज़रत ईसा पर ईमान रखते थे, और यहूद और नसारा ने जो दीन में बातिल चीज़ें दाखिल कर ली हैं इनसे बरी थे, मसलन इब्ने साइदा, इसी तरह बुहैरा राहिब, इसी तरह हबीब नज्जार, इसी तरह ज़ैद इब्ने अमर इब्ने नुफ़ैल, वरक़ा इब्ने नौफ़िल, सलमान फ़ारसी, इसी तरह और बहुत सारे, गोया कि अल्लाह ने यूँ फरमाया कि जो लोग बेअशत मोहम्मद मुस्तफ़ा से पहले ईमान लाए थे, और यहूद व नसारा में से जो अदियान बातिला पर है, इनमें से जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान ले आया इनको आखिरत में खौफ और गम नहीं होगा। तफसीर कबीर की जिल्द नंबर 1 सफ़ा 369 बड़ी अकवाल यूं जमा है। अच्छा, आया अल्लाह यौम आखिरत पर ईमान रखने से मौजूदा यहूदियों और ईसाइयों की भी निजात हो जाएगी, तो इस आयत से यह इश्काल होता है कि निजात के लिए मुसलमान होना और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी नहीं है। इश्काल पैदा होता है लोगों के जहन में, जैसे मैंने आपसे पहले कहा
क्योंकि इस आयत में ये फरमाया कि मुसलमान, यहूदी, ईसाई और साबी जो भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान लाए और नेक काम करें, इनको आखिरत में खौफ और गम नहीं होगा। और मौजूदा यहूदी और ईसाई भी अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं, लिहाजा इनसे भी जो नेक काम करने वाले हैं इन्हें भी निजात हो जाएगी। तो इस इश्काल का जवाब फिर ये दिया गया है कि देखो, मन आमना बिल्लाह का मानी ये है कि अल्लाह पर सही ईमान लाएँ, और अल्लाह पर ईमान उसी वक्त सही होगा जब अल्लाह के हर कौल और उसके हर हुक्म को मान लिया जाए। और जब तक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आपको खातमुन नबीयीन न मान लिया जाए, अल्लाह पर ईमान नहीं होगा। क्योंकि कुरान ने इस बात में बड़ा वाज़ेह, सूरह फतह उठा के देखें, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। फिर सूरतुल अहज़ाब उठा के देखें, मा काना मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीयीन, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं लेकिन वो अल्लाह के रसूल और सब नबियों के आखिर हैं। इन आयात से मालूम हुआ कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल और आखिरी नबी न मान लिया जाए, अल्लाह पर ईमान लाना सही नहीं है। यानी कि जो इस तरह का क्लेम करे उसका क्लेम सही नहीं है। और अल्लाह ताला का इरशाद है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक इस्लाम ही दीन है। अल्लाह ताला ये भी फरमाता है, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलल दीन कुल्लिह वलौ करिहल मुशरिकून, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा ताकि उसको हर दीन पर गालिब कर दे, ख्वा मुशरिकीन पसंद ना करें। फिर ये भी फरमाता है कि वा मन यबतगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और जिसने इस्लाम के सिवा किसी और दीन को तलब किया तो वो इससे हरगिज़ हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा और आखिरत में वो नुकसान उठाने वालों में से होगा। तो इन आयात से मालूम हुआ कि जब तक कोई यहूदी, ईसाई और सबई अपने मज़हब को छोड़ कर तर्क करके इस्लाम को कबूल नहीं करेगा, इसका अल्लाह पर ईमान नहीं होगा। क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कि इसके नज़दीक इस्लाम के सिवा और कोई दीन काबिले कबूल नहीं है। और ये बात भी मलहूज़ रखनी चाहिए कि किसी एक आयत या किसी एक हदीस को देखकर कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि फिर यही होता है जैसा कि हमारे यहाँ बाज़ लोगों के साथ मामला हो जाता है कि कुरान करीम की किसी एक आयत के तर्जुमे को देख कर वो अपनी राय कायम कर लेते हैं, या हदीस मुबारक में से किसी एक हदीस को पढ़ के कि भाई ये तो बुखारी की हदीस है, ये तो मुस्लिम की हदीस है, वो राय कायम कर लेते हैं, यानी ख़ुद उलमा बन जाते हैं। और ये बात सामने रखनी चाहिए कि इस तरह के नताइज नहीं निकालने चाहिए जब तक कि इस मौजू से मुतालिक तमाम आयात और हदीस का मुताला न कर लिया जाए। क्योंकि बाज़ आयात जो है वो ऐसी कंडेंस्ड होती है, कंप्रेस्ड होती हैं कि उसके अंदर बहुत सारी बातें बड़ी जामे तरीके से बयान की जाती हैं और उनकी तफसील फिर दूसरी आयात में आती हैं। बाज़ आयात बज़ाहिर मुतआरिज़ होती हैं कि आपको ऐसा लगता है अरे ये तो उससे तआरुज़ है, टकरा रही है, लेकिन जब उसको खोला जाता है तो पता चलता है कि ये तआरुज़ नहीं है। अच्छा, बाज़ आयात मनसूख और बाज़ नासिख होती हैं, बाज़ आयात आम होती हैं और बाज़ दूसरी आयात इनके लिए मुख़स्सस होती हैं। और यही हाल फिर अहादीस मुबारका का भी है। इसलिए किसी एक आयत या किसी एक हदीस को देखकर नतीजे निकालना ये ठीक नहीं है। अच्छा, निजात के लिए सिर्फ दीन की तरफ मंसूब होना भी काफ़ी नहीं है। अल्लामा रशीद रज़ा लिखते हैं कि इमाम इब्ने जरीर और इमाम इब्ने अबी हातिम ने सुदई से रिवायत किया है कि मुसलमान यहूद और नसारा आपस में मिले। यहूद ने मुसलमानों से कहा, हम तुमसे बेहतर हैं, हमारा दीन तुमसे पहले है और हमारी किताब तुमसे पहले है और हमारे नबी तुम्हारे नबी से पहले हैं और हम ही दीन इब्राहिमी पर हैं और जन्नत में सिर्फ यहूदी ही दाखिल होंगे। नसारा ने भी इसी तरह कहा। मुसलमानों ने कहा कि हमारी किताब तुम्हारी किताब के बाद है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे नबी के बाद हैं और हमारा दीन तुम्हारे दीन के बाद है और तुमको अपने दीन के तर्क करने और हमारे दीन की इत्तबा करने का हुक्म दिया गया है, इसलिए हम तुमसे बेहतर हैं। हम ही हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक़ के दीन पर हैं और जन्नत में वही शख्स दाखिल होगा जो हमारे दीन पर होगा। अब देखें ना, हिंदू भी तो ये क्लेम करते हैं ना, आप में से वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, मैं तो इंडिया कभी गया नहीं हूँ लेकिन मुझे आप लोग बताते हैं कि इंडिया में, और फिर कोई हिंदू के सवालात भी कुछ आते रहते हैं हिंदू हजरात के कि वो हम सबसे पुराने हैं, हम सब ये पुराने होने से क्या होता है। भाई कोई पुराना पापी भी होता है तो क्या अगर उसको कोई अच्छाई की तरफ बुलाए वो कहे भाई मैं तो पुराना पापी हूँ, छोड़ूंगा नहीं गुना, ये पुराने होने से क्या होता है, यानी कि तुम बहुत अरसे से भटके हुए हो, अब ठीक रास्ते पे आ जाओ। इनका भी यही क्लेम था यहूद और नसारा का कि हम पुराने हैं। अरे पुराने होने से क्या होता है, तुम्हारी किताबों में ये लिखा है कि जब हिदायत आएगी तुमने कबूल करना है, तो तुम तो अपनी किताब की नहीं मानते।
तुम्हारी अपनी किताबों में, हिंदुओं की किताबों में एक खुदा की परस्तिश का हुक्म है, वैद उठा के देखो इनके, उसमें लिखा है। लेकिन अब इन्होंने सैकड़ों बना रखे हैं, अब अपने पंडितों को बचा रहे हैं, अपनी इस रीति रिवाज को बचा रहे हैं और सही दीन की तरफ नहीं आ रहे। बहरहाल, तो जब ये मामला हुआ, हज़रत सुदई कहते हैं कि यहूद नसारा के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान, तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयात नाजिल फरमाई कि लैस बिअमानीकुम वला अमानी अहलिल किताब, तुम्हारी ख्वाहिशों पर कुछ मौकूफ़ है ना अहले किताब की उम्मीदों पर, जो बुरा काम करेगा इसे इसकी सज़ा दी जाएगी और वो अल्लाह के सिवा कोई हिमायती और मददगार ना पाएगा। और जो हालत ते ईमान में नेक काम करेंगे, ख्वाह मर्द हो या औरत, तो वो जन्नत में दाखिल होंगे और उन पर ज़रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। फ़ाउलाइका यदखुलून अल-जन्नत वला युज़लमूना नक़ीरा। तो ख़ुलासा ये है कि यहूद और नसारा का ये दावा करना बातिल है कि जन्नत इनके साथ मखसूस है, और ना किसी मुसलमान का महज ज़बानी ईमान का दावा करना काफ़ी है, बल्कि जो अल्लाह और उसके रसूल पर सही ईमान के साथ नेक अमल करेगा वो जन्नती होगा। तो देखे ना, मुसलमान जब है ना, इस्लाम बड़ा जो है इसमें वाज़े है, सिर्फ कलमा पढ़ लेने से ज़ाहिरी इस्लाम के इजहार करना काफ़ी नहीं है। कुरान उठा के देखें ना, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, तो अमल सालिहा जो है वो ईमान के साथ लगाया है, और सिर्फ वतवासव बिलहक़ वतवासव बिसब्र भी कहा गया है कि हक के साथ और सब्र के साथ डटे और जमे रहो। और फिर ये भी कहा कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हर अमल का दारो मदार उसकी नीयत पर है। तो इसी नहज पर यह आयत है कि जो लोग महज ज़बान से इस्लाम का दावा करते हैं, और यहूदी ईसाई और साबी, इनका महज ज़बान से इस्लाम का दावा करना, या किसी का यहूदी होना, या किसी का ईसाई होना, या किसी का साबी होना, ये निजात का सबब नहीं है। निजात के लिए ज़रूरी है कि वो अल्लाह पर सही ईमान लाएँ और आखिरत को माने, बाईं तौर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने, और पिछले तमाम अदियान को मनसूख माने, और आपकी लाई हुई शरीयत की पैरवी करें, और इनको आखिरत में फिर कोई खौफ ना होगा और ना ये लोग वो होंगे जो गमगीन होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तफसीर से फिर इस आया मुबारक की तफसीर समझने में आसानी हुई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके, और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।